नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सुतियाना गांव के पास स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र पहुंचेंगे और यहां 4 करोड़वां पौधा लगाएंगे। अमित शाह सीआरपीएफ के 8 विभिन्न परिसर में 15 नव निर्मित भवनों का भी उद्घाटन करेंगे। उनके दौरे के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी दिन भर तैयारियों में जुटे रहे, वहीं कैंप में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गुरुवार दोपहर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष लेह पहुंचे। कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी का ये दौरा 2 दिन का था, यानी गुरुवार और शुक्रवार। कांग्रेस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लद्दाख दौरा 25 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। भूटान की स्वास्थ्य मंत्री ने पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उनका कहना है कि पारंपरिक और एलोपैथिक चिकित्सा का एकीकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब दुनिया कोविड से उभर रही है। अमेरिकी अदालत ने तहव्वुर राणा के प्रत्यक्षीकरण रिट को खारिज कर दिया है। अमेरिकी अदालत के फैसले के कारण राणा के प्रत्यर्पण को हरी झंडी मिल सकती है। बता दें, राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई व्यवसायी है। भारत में 2008 में हुए 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी संलिप्तता पाई गई है। भारत ने अमेरिका से राणा के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया था। नूह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा मामले में गिरफ्तार बिट्टू बजरंगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बजरंगी को नीमका जेल भेजा गया है। पुलिस ने कोर्ट से अनुरोध किया कि नूह जेल में बिट्टू की जान को खतरा हो सकता है। उसके खिलाफ नूह सदर थाने में केस दर्ज हुआ था। चित्रकूट की रगौली जेल में बंद मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से रिहाई का आदेश जारी हुआ था। निकहत यहां विधायक पति अब्बास अंसारी से गैर कानूनी मुलाकात के मामले में जेल में बंद थी। महंगे पेट्रोल और डीजल से लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। भोजन और ईंधन की लागत में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार 1,00,000 करोड़ का आवंटन कर सकती है। विभिन्न मंत्रालयों के बजट से इस रकम को आवंटित करने की योजना पर विचार हो रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हफ्तों में इस पर निर्णय ले सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने 5,00,000 रुपये से अधिक के वार्षिक प्रीमियम होने की स्थिति में जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त आय की गणना के लिए नए नियम लागू किया है। सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया है। इंश्योरेंस एक्सपर्ट का कहना है कि इस बदलाव से बड़ी पॉलिसी लेने वाले बीमा धारकों को अब ज्यादा टैक्स देना होगा। टीम इंडिया और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला डबलिन में खेला जाना है। पहले T20 मैच में सबकी निगाहें भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह पर होंगी। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज बुमराह करीब 11 महीने तक मैदान से दूर रहने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। टाटा ग्रुप की ऑनरशिप वाली एयर इंडिया यात्रियों के लिए शानदार ऑफर लेकर आई है। एयरलाइन अपने घरेलू और इंटरनेशनल रूट नेटवर्क पर 96 घंटे की स्पेशल सेल शुरू की है। इस ऑफर का लाभ एयर इंडिया की वेबसाइट airindia.com और मोबाइल ऐप के जरिए टिकटों की बुकिंग कर उठाया जा सकता है। इस सेल के तहत सीटें लिमिटेड हैं और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।